नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट बिस्किट रेसिपी, घर पे बहुत ही आसानी से बनाए जाते हैं। तो चलिए ड्राई फ्रूट बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट बिस्किट बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून बटर, 1 कप आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिश्रण काफ़ी क्रीमी हो चुका है। तभी हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब हम इसको हाथ से ही गूंदेंगे। अब हम इसमें दूध डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। हमारा डो अच्छे से बन चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने बटर पेपर ले लिया है, अभी मैं इसको ये डो को इस पर बेल लूँगी। हल्का सा हम मैदा छिड़क लेंगे और ये डो को हम इस पे रख देंगे, अच्छे से पहले गोला बना लेंगे। अभी इस पे मैं ये डो को रख रही हूँ और अब हम इसको बेल लेते हैं। हल्का सा मैदा छिड़क लेंगे। अभी हम इस पे दूध लगा लेंगे और ये पिस्ता के स्लाइस हैं वो हम इस पे लगा लेंगे। हल्का सा मैदा छिड़केंगे और फिर बेल देंगे। मैंने ये स्क्वायर लिया है, इसको हम काट लेंगे। अभी हम इसको ऐसे बीच में से काट लेंगे। ये जो स्टिक्स हैं हमारे बिस्किट के, हम इसको बेकिंग डिश में अरेंज कर लेंगे। अब मैं इसे बेक कर रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 35-40 मिनट्स के लिए। हमारे कुकीज़ बेक होकर रेडी हो चुके हैं। इसे करीबन बेक होने के लिए 45 मिनट्स लगे थे। हमारे ड्राई फ्रूट कुकीज़ बनके तैयार हैं। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।